28 साल शाबर रहमान का ताल्लुक जिला करक से है। पस्त कद होने के बावजूद उसका हौसला बुलंद है और अपने बुलंद हौसले की वजह से इसने एमफिल किया। करक के रहायशी शहाबुर रहमान के सात भाई हैं, जिनमें से तीन पस्त कद हैं। शहाबुर रहमान वाहिद पस्त कद है जिसने बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में एमफिल किया। इसकी रिसर्च का मौजू भी पस्त कद अफराद है, जबकि हाल ही में इसे पीएचडी के लिए चीन से स्कॉलरशिप की ऑफर आई। मैंने एमफिल जेनेटिक्स हजार यूनिवर्सिटी से किया और बीएस क्वाट यूनिवर्सिटी से किया और अभी एप्लीकेशन भेजिए चाइना से, उसकी रिप्लाई भी आ गई है। इंशाल्लाह पीएचडी के लिए जा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, तो इरादा है कि बायोटेक्नोलॉजी जल्द से जल्द मुकम्मल करूं। पेशावर में होने वाले खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए शहाबुर रहमान अपने दीगर साथियों के हमरा आए थे, जहां पर इन जैसे पस्तकद अफराद की फिजिकल टेस्ट एक गैर सरकारी इदारे के रिसर्च स्कॉलर ने किए, जिनका कहना था कि पस्तकद अफराद आम लोगों के मुकाबले में तेज होते हैं। इन लोगों की रिस्पॉन्सेस इतनी साउंड होती है, इतनी तेज है कि मतलब अगर मैं किसी को ऑटो और वो 5 नैनोसेकंड लेता है तो इनको 1 नैनोसेकंड में उसी तक उठ खड़ा हो जाता है। फुटबॉल और दीगर मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले शहाबुर रहमान क्रिकेट खेलने की शौकीन है। क्रिकेट मैं बहुत शौक से खेलता हूँ और मुझे पसंद भी है बहुत ज़्यादा, और बाकी कभी कभी फुटबॉल भी खेल लेता हूँ दोस्तों के साथ, जो प्रैक्टिस मैच होते हैं तो उसमें कभी कभी जाता हूँ। पस्तकद होने के बावजूद शहाबुर रहमान जैसे कई नौजवान इस वक्त तालीमी मैदान में कामयाबियाँ समेट रहे हैं। कैमरामैन हामिद शहजाद के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।